दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हुमायूं और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से और एक वीडियो लेके आए हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो प्रिंट करते हैं उसके ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी दो तीन वीडियो बनाया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 10 पेज में निकालता है तो उसको कैसे छोटा करें, अभी फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो है मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि इसके बाद में आपको जो है आपका अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म है वो कभी भी 10 पेज में नहीं आएगा, वो 5 पेज में ही आएगा। और आपका जो प्रॉब्लम रहता है कि मैंने एक बार दो बार तीन बार प्रिंट आउट कर लिया उसके बाद में जो है उसका जो है रीप्रिंट नहीं होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे जिस ट्रिक के ऊपर, इस ट्रिक अगर आप भी यूज़ करते हो तो आपको भी जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका 10 पेज निकल जाएगा, और ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप तीन बार आपको प्रिंट आउट करने की ज़रूरत पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर स्किप करते हैं तो बीच में बातें छूट जाता है, फिर आपको मालूम नहीं पड़ता है। अभी मैं आपको एक फॉर्म प्रिंट आउट करके दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को प्रिंट करूंगा, आप देखते रहिए। मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया, देखिए आप ध्यान से देखिए मैं आप क्या बताऊंगा आपको। आपको जस्ट सिंपल आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कस्टमर का जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऐसे बाहर आ जाता है और तुरंत जो है अकाउंट जो प्रिंटर का स्क्रीन होता है वो आ जाता है अपने आप। तो इस स्क्रीन पर से जो भी आपका प्रिंटर है, मेरा एप्सन L210 है, L380 है, जिस पर भी आपका प्रिंट आउट है, तो आप क्या करते हो, मैं भी करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस पर जाते हैं, फिर इस पर जाने के बाद हम यहाँ से F4 साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट और यहाँ पे ओके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रिंट हो जाता है। और जो है अगर मशीन अपडेट रहता है तो 5 पेज निकलता है, और मशीन अगर ऑटोमेटिक अपडेट लिया हो रहता है तो उसमें 10 पेज आ जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, इसे डायरेक्ट आपको प्रिंट नहीं करना है, जो भी ये स्क्रीन निकला है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 10 पेज निकालने का कारण यही है कि जो हमारा PC होता है, लैपटॉप और हमारा कंप्यूटर होता है, वो जो हम लोग का उसका अपडेट विंडोज अपडेट का जो सिस्टम होता है ऑन रहता है। तो उसके बाद से जो है जब भी हम सुबह ऑन करते हैं नेट उस पर अटैच होता है, नेट जैसे ही मिल जाता है उसके बाद में वो लैपटॉप अपने आप अपडेट होने लगता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट हो जाता है, उसके वजह से जो है पहले वाला सेटिंग बिगड़ जाता है। तो आप जो है विंडोज अपडेट का जो सेटिंग है वो भी आप बंद करके रखना, हफ्ते में एक बार या तो 10-15 दिन में एक बार उसको ऑन करके एनेबल करके आप पूरा प्रॉपर अपडेट कर लेना, तो आपका PC जो है वो प्रॉपर अपडेट भी हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद आप फिर से उसको ऑटोमेटिक अपडेट जो होता है उसको डिसेबल करके रखना, उसको ऑफ करके रखना, वो हो गया आपके अपडेट का बात। अभी जो है अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंटर है इस पर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस पर हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम पहले इसको सेव करेंगे PDF पर। PDF पर सेव करने के लिए यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा होगा आपका प्रिंट जो स्क्रीन है, मेरे यहाँ पे भी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो हमको इस पर सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पर सिलेक्ट करके हम लोग को प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने और एक स्क्रीन खुल जाएगा, देखिए और एक स्क्रीन खुल गया। यहाँ पे जो है फाइल नेम 0 रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो टाइप रहता है डॉक्यूमेंट का वो PDF होता है, तो हम यहाँ पे फाइल नेम क्या रखेंगे, जो कस्टमर का नाम है वही हम यहाँ पे रख देंगे दुर्गादास। उसके बाद में इसको कहाँ पे सेव करना है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, मैं डेस्कटॉप पर सेव करूँगा, फिर हम इसको सेव कर देंगे। ये जो हो गया फॉर्म जो है, हमने जस्ट एक ही बार अभी प्रिंट किया, जस्ट वन टाइम हुआ है, हम इसको आगे दो बार भी कर सकते हैं लेकिन हम करूँगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बार जब हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला ये स्क्रीन आया, उसके बाद में हम इसको सेव करके डेस्कटॉप पर रखा, देखिए यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप पर हमने PDF को सेव करके रखा। अभी यहाँ से हम 10-15-20-100 बार हम यहाँ से जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका 10 पेज आता है प्रिंट आउट में, यहाँ पे भी थोड़ा सेटिंग है, आप वो देख लीजिए इसको कैसे करना है। आपका 10 पेज नहीं आएगा, 5 पेज में आपका प्रिंट आउट होगा। और अगर आप ऐसे सेव करके रखते हो, हर कस्टमर का आपने अगर सेव करके रखते हो तो क्या होगा, आपके पास एक डेटा भी रहेगा कस्टमर का फॉर्म जो है। मैंने ये देखिए यहाँ पे और एक फोल्डर बना के रखा, यहाँ पे मैं कस्टमर का जो भी फॉर्म है सब अपने कस्टमर के नाम से PDF बना के रखता हूँ, इसको भी यहाँ से इस पर रख दूँगा। तो यहाँ से कभी भी हमको इस फॉर्म से कस्टमर का ही डिटेल्स निकल जाएगा, कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये तो हमारे पास PDF में ही रह गया, एक प्रूफ भी रह गया। उसके बाद हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे हम इसे डबल क्लिक करेंगे PDF ओपन हो जाएगा,
कस्टमर का ये जो है फ्रॉम बाहर आ गया, आप जैसे नीचे खींचोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना पेज है, यहाँ पे एक नंबर पेज, दो नंबर पेज, तीन नंबर पेज, चार नंबर पेज और पांच पेज, ठीक है। और प्रिंट करने का टाइम यहाँ पे अपने तो पांच पेज है, मान लीजिए अभी इसको आपको प्रिंट करना है तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाता है, कहीं पे भी आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको कंट्रोल पी डालना है, प्रिंटर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और प्रिंट का और एक स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अभी क्या करना है, अभी यहाँ से आपका प्रिंटर सिलेक्ट करना है, प्रिंटर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है लैंडस्केप कर सकते हैं आप, और आपको सिंगल पेज प्रिंट करना है सिंगल एक ही पेज, यहाँ से आप सिंगल भी कर सकते हो, यहाँ से मैं वॉल पे रखूँगा, यहाँ से कलर ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। फिर आपको मिलता है मोर सेटिंग, मोर सेटिंग पे आपको जो है और एक दो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाता है आपका स्केल, स्केल में आपको क्या होता है देखिए, एक्सक्यूएल साइज होता है, फिट टू प्रिंटेबल एरिया होता है, और नीचे यहाँ पे आपका एरिया रहता है, यहाँ पे 100% रहेगा, तो आप इसको जो है टिक करेंगे, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं पेपर का जो साइड का जो एरिया है, मैं हमेशा यहाँ से 90 कर देता हूँ, 90 करने पर यहाँ पे पेपर का जो लिखा हुआ जो है ना वो पेपर के थोड़ा छोटा साइज में हो जाएगा, 100 करते हो तो हो सकता है वहाँ पे 10 पेज निकल जाएगा। जैसे हम इस पर 90 पे रखेंगे, रख के प्रिंट करेंगे, हमारा पेपर जो है 5 पेज में ही आएगा, 10 पेज में कभी नहीं आएगा, 7 पेज में भी नहीं आएगा, 5 के ऊपर जाएगा नहीं, आपको यहाँ पे 90 रखना है। अगर आपको और छोटा करना है तो आप नीचे कर सकते हैं, 80 तक ला सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर आप ऐप का अकाउंट फॉर्म भेजोगे तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे 100 नहीं रखना है, अगर आप एक बार 100 रख के प्रिंट करके देख सकते हो कि आपका 5 पेज आता है कि 7 पेज आ जाता है, अगर 100 रखने के बाद भी आपका 5 पेज आता है तो सही है, अगर 100 रखने पर आपको 6-7 पेज आ रहा है तो आप यहाँ पे 90 कर लेना, आपको पहले इसमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 90 करके फिर आपको प्रिंट कर देना है। मैं अभी आपको ये प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, प्रिंट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं। तो ये जो है देखिए मेरा प्रिंटआउट निकल रहा है, यहाँ पे 5 ही पेज आ रहा है, तो आपका जो है 10 पेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही साथ आप जितने बार चाहे जितने बार मर्जी आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे जैसा सेव कर लेना है, एक दो बार आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन 3-4 बार आप जैसे ही करोगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगा सेव करने का। तो देखिए मैंने फॉर्म प्रिंट आउट कर लिया, ये मेरा 5 पेज नंबर आया, और देखिए साइज़ भी पूरा मस्त आया है, मतलब अच्छा साइज़ आया है, ना ही कोई रिजेक्ट होगा ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, 5 पेज पर आ गया है। तो आपको जो है यहाँ पे प्रिंट करते टाइम इस जगह पे आपको जो है थोड़ा सा मोर सेटिंग पर यहाँ पर आपको साइज़ मिलवा लेना है, जो साइज़ रहता है यहाँ पे 100 रहता है, 100 की जगह पे आप 91, 92, 93 कर लीजिए, तो आपका जो है प्रॉपर ये साइज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और आपने देखिए यहाँ से मैंने प्रिंट करने के बाद इसको हम कट भी कर देते तो यहाँ पर रह जाएगा ये PDF फाइल, अगर ये एक बार ख़राब भी हो जाता है, दो बार भी ख़राब हो जाता है, 3 बार हम प्रिंट करने के बाद फट जाता है, गीला हो जाता है, फिर भी आप यहाँ से दोबारा कर पाएंगे। यही जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को तो लाइक कमेंट आपको करना ही है, और सबके साथ शेयर करना है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।